अब आपको बताएं, डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने अताइयों को काम बंद करने की वार्निंग जारी कर दी है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक, जो कि डीसी लाहौर के साथ ही मौजूद हैं। इमरान मलिक, बताइएगा क्या कहना है डीसी का। आज जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और आज डीसी लाहौर ने एक ऐलान जंग किया कि तमाम जितने भी लाहौर में अताई हैं वो अपनी जो अताइयात है उसको बंद करें और दुकानें बंद करें, और उनको आज वार्निंग दे दी गई है। एक उनका बड़ा मैसेज है। इस हवाले से क्रैकडाउन कैसे करने जा रहे हैं, डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखें, हम तो क्रैकडाउन तो काफ़ी अरसे से शुरू है और अभी हम इसको काफ़ी तेज़ कर रहे हैं बीच में, ताकि इसको मैक्सिमम एफर्ट से करें। और जो अताइयत जितनी भी चल रही है, डेफिनेटली आपको पता है कि ये तो कोई बहुत बड़ा, इसमें आपको एविडेंस चाहिए नहीं, आपको सामने ही हर किसी को पता है। ड्रग्स वाला जो हम कर रहे हैं वो काम थोड़ा मुश्किल है, मगर ये तो कोई इतना इशू नहीं है। हमने 337 क्लिनिक्स अभी तक सील किए हैं और अभी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी तवज्जो से भी, जब मीडिया पर जाता है कि लोग भी हमें थोड़ा हेल्प आउट करेंगे किस एरिया में ये हैं। हमारी अपनी भी एक बड़ी एक्सटेंसिव एफर्ट है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगले दो एक हफ्तों में आपको बड़ा सब्सटेंशियल फ़र्क नज़र आएगा। सर, आपने डीसी लाहौर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि 337 जो है हमने अभी तक अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन किया और ये अगले दो हफ्तों में आपको वाजिया नज़र आएगा, और वार्निंग भी आज जारी कर दी है और क्रैकडाउन हमारा अभी भी जारी है और तमाम टीमें जो हैं इस वक्त भी फील्ड में हैं, और इस हवाले से जो है चैनल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे भी इंशाल्लाह इसको हम लेकर साथ साथ चलेंगे। जी शुक्रिया।